सो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का एक और नई शानदार वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया हैं। गाइस यदि एक आप आईफोन यूज़र हैं तो गाइस आपने कभी ना कभी अपनी फ्री फायर गेम को प्ले करने के दौरान या फिर तो गाइस आपका जो डिवाइस है लैग करना शुरू कर देता होगा या फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जो पिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस कुल मिला के यदि आपको ये दोनों प्रॉब्लम देखने को मिलती है अपने iOS डिवाइस में गेम को प्ले करने के दौरान फ्री फायर को, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे गाइस आपने यहाँ पे अपनी पिंग को बहुत ही अच्छी करना है। साथ दोस्तों यहाँ पे जो आपका लैग है वो भी गाइस ऑलमोस्ट 90% गाइस यहाँ पे फिनिश हो जाने वाले इस वीडियो को वॉच करने के बाद। चलो दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कैसे गाइस आप सभी कोई गेम प्ले करना चाहिए, कैसे आपको डिवाइस को यूज़ करना चाहिए और में से वो इंक्रीज हो जाए, साथ दोस्तों आपकी जो लैग है वो और हीटिंग है और साथ दोस्तों यहाँ पे जो पिंग इशू है ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है फिक्स आउट हो जाए। कई डिवाइस में मैंने देखा है गाइस यहाँ पे, इवन गाइस मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने स्क्रीनशॉट भी भेजा एंड गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी कि भाई उनका जो गेम है इतना ज़्यादा लैग कर जाता है गाइस यहाँ पे जैसे ही वो एंटर करते हैं, एंटर करने के दौरान ही गाइस यहाँ पे जो है उनका ये गाइस स्टक हो जाता है, यानी कि जो रुक जाती है गेम, तो ये भी गाइस देखने को मिल जाता है। या फिर गाइस कई लोगों का गेम जो है चलता है, चलने के दौरान गाइस उनकी जो पिंग है वो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई पहुँच जाती है, इवन गाइस रेड में आ जाती है सीधे ग्रीन से। तो ये सब गाइस यहाँ पे आपको जो इश्यूज देखने को मिलते हैं इस डिवाइस में, इनको ही गाइस मैं आपको बताऊंगा कैसे गाइस आपको डिवाइस को यूज़ करना चाहिए ताकि गाइस आपका जो गेमिंग है वो गाइस इंक्रीज हो सके एंड गाइस आप एक अच्छी तरीके से गेम प्ले कर पाएँ विदाउट एनी इरिटेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है गाइस यदि डिवाइस जो है हीट होने लग जाता है या फिर दोस्तों यहाँ पे पिंग आ जाती है हाई, तो गाइस आपका ऑटोमेटिकली गेम जो है यहाँ पे लैग करना शुरू कर देता है। चलो गाइस यहाँ पे आपको वीडियो कर लेते हैं शुरू, गाइस आपको बता देते हैं गाइस कैसे आप सभी को इन सभी चीज़ों को डन करना है। तो उससे पहले गाइस आप सभी को छोटा सा काम जरूर करता है, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी और डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन कर दी, यदि गाइस आपको कोई भी इश्यूज आते हैं आईफोन से रिलेटेड, कोई भी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे एरर्स आती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को उस जो है प्रॉब्लम का ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर मुझे पर्सनली गाइस इंस्टाग्राम पर जो DM कर दिया गया ताकि दोस्तों मैं उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन बना सकूँ। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आप मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आप सभी को इन चीज़ों को जो है फिक्स आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ गेम प्ले करने से पहले आपको क्या करना है। देखो गाइस यहाँ पे आना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है ये गाइस ऐसे आपको पता होगा बट भाई मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपके जो यहाँ पे प्राइवेसी होती है वो गाइस आपको देखने को मिलेगी ये वाली, तो इस पे गाइस आपको देखना है भाई ये लोकेशन है ये गाइस सबसे पहले आप ऑफ रखें। कई बार क्या होता है गाइस आपकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली हमेशा जो है इनेबल रहती, तो गाइस यही रीजन आपका जो डिवाइस जो लैग करने का रीजन सबसे बड़ा यही है जो आपकी जो लोकेशन है वो इनेबल होती है। तो सबसे पहले आपको एक काम जरूर करना है, सेटिंग्स पे आके एक बार चेक कर लेना कि आपका जो लोकेशन है वो ऑफ रहा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात गाइस मैं आपको बताता हूँ, गाइस यदि आपके पास एक कीपैड जो यहाँ पे गाइस ये बटनों वाला डिवाइस है तो आपको क्या करना है गाइस एक बार जो इसको होल्ड डाउन करके रखना है ऐसे गेम प्ले करने से पहले, ठीक है, गेम को ओपन करने से पहले। अब ये वाली गाइस जैसी बटन आ जाती है अब गाइस आपको जो होम बटन को प्रेस करके रखना है, ये दोस्तों मैं उन डिवाइस के लिए बता रहा हूँ जिनके पास गाइस जैसे आईफोन 5s 6 6 प्लस एंड 7 ऐसे डिवाइस में जिनमें ये होम बटन अवेलेबल है। अब गाइस आपको अपना डिवाइस अनलॉक करना है, तो गाइस आपका डिवाइस का जो रैम है वो क्लियर हो चुका है, ये गाइस हो गए दो, अब आपका डिवाइस बिल्कुल ही फ्रेश हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा गाइस काम यहाँ पे क्या करना है, गेम को ओपन करने से पहले आपको फिर से सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जनरल पे जाएं, जैसे गाइस यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे जनरल पे क्लिक करें, जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका देख लेना भाई यहाँ पे जो ऑफ हो या फिर ऑन हो। तो आपको गाइस क्या करना है, वैसे तो इसको गाइस वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे ले जाकर एंड यहाँ पे आपको देख लेना सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर को इनेबल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बाकी सभी को ऑफ कर देना, सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर को इनेबल कर दे। ऐसा करने से गाइस क्या होगा, आपका डिवाइस का जितना भी परफॉर्मेंस होगा, जितना भी लोड होगा, वो और सिर्फ आपका फ्री फायर पे ही पड़ेगा, बाकी एप्लीकेशन पे नहीं पड़ेगा। तो इसमें गाइस आपका जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली आपकी फ्री फायर गेम को बूस्ट अप करना शुरू कर देगा एंड गाइस आपका जो गेम है लैग करना बंद कर देगा एंड पिंग भी बहुत ही अच्छी आ जाएगी, ठीक है, ये गाइस कर लें। एंड तीसरी गाइस यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे क्या करना है, गेम को ओपन करने से पहले जैसे आपको यहाँ पे लैग वगैरह भी पिंग हाई देखने को मिलती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका डिवाइस यदि वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई देख लेना, यदि आपका डिवाइस मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड है तो आपको मोबाइल डेटा देख लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक बार फ्लाइट मोड एक बार जस्ट ऑन करना है, ठीक है। तो एयरप्लेन मोड को इनेबल करने के बाद जस्ट गाइस आपको 5 सेकंड वेट करना, उसके बाद उसको इसको ऑफ कर देना, उसके बाद दोबारा से अपना जो भी है वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा उसको इनेबल कर देना आपको, ठीक है। अब गाइस आपको गेम को ओपन करना है, तो गाइस यहाँ पे आपको मैंने ये वाली सेटिंग्स जो बताई इनको गाइस आपको जरूर अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को गाइस गेम के अंदर आना, गाइस आपकी जो पिंग है वो ऑटोमेटिकली फिक्स आउट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार बता देता हूँ गाइस यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ अननेसेसरी एप्लीकेशन आपके डिवाइस में उपलब्ध हो, यानी कि इंस्टॉल हो, आप उसको यूज़ नहीं करते होंगे, तो आपको उन वाली एप्लीकेशन को भी डिलीट कर देना। फॉर एग्जाम्पल गाइस अभी आप देख पा रहे हैं मेरे डिवाइस में कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशन नहीं है, जो भी गाइस यहाँ पे सारी की सारी यूजफुल है एंड जो भी गाइस अननेसेसरी एप्लीकेशन आपको दिखती है वो गाइस आप इस तरीके से डिलीट कर दे ताकि दोस्तों आपका जो डिवाइस है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो सके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितना ज़्यादा कम लोड रखेंगे अपने डिवाइस में उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही सब गाइस चीज़ें मैंने आपको बता दी पिंग इशू से लेकर गाइस आपकी गेमिंग को परफॉर्मेंस एंड साथ दोस्तों लैग को कैसे फिक्स करना है अपने iOS डिवाइस में। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गाइस इन सेटिंग्स को जरूर अप्लाई कर लें, गाइस छोटी सेटिंग्स हैं बट गाइस ये काम बहुत बड़ा करती हैं।